अपने इमरान खान के एक पूर्व विधायक ने उनकी ही पार्टी और पाकिस्तान सरकार के काले चेहरे को बेनकाब किया है। तहरीक इंसाफ पार्टी के विधायक रह चुके बलदेव कुमार ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार का पर्दाफाश किया। बलदेव कुमार के मुताबिक पाकिस्तान में हिंदू और मुसलमानों की हालत बेहद बदतर है। इमरान खान की पार्टी के पूर्व विधायक बलदेव कुमार ने भारत में शरण मांगी है। बलदेव कुमार खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के विधायक रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं, हिंदू और सिख नेताओं की हत्या की जा रही है, इसलिए वो जान बचाकर भारत आ गए हैं। बलदेव कुमार ने कुछ महीने पहले अपने परिवार को पंजाब में अपने रिश्तेदारों के पास भेज दिया था। बलदेव कुमार की पत्नी भारत की नागरिक है और उनके 10 और 11 साल के 2 बच्चे भी हैं। अब वो वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहते हैं। पाकिस्तान से भारत में शरण लेने के लिए पहुंचे पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के बारीकोट रिजर्व विधानसभा सीट से विधायक बलदेव कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। बलदेव अपने परिवार के साथ पंजाब के खन्ना में आ चुके हैं, यहां पर उनका ससुराल है और अब वो यहीं रहना चाहते हैं। बलदेव जी, क्या वजह है अपने परिवार को आप लेकर भारत पहुँच चुके हैं और अब यहीं पर आप रहना चाहते हैं? क्या इतने बुरे हालात हैं पाकिस्तान के? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये तो सारी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान के हालात क्या हो रहे हैं। हम लोग खान साहब से तो अवगत रखते थे कि खान साहब आएंगे, खान साहब ये इतना करेंगे कि पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी, मगर वो नए पाकिस्तान की कोई रोह नहीं देखते। ठीक है, मेरी धरती माँ थी, मगर जितनी कुर्बानियाँ मैंने दी हैं उतनी कोई दे नहीं सकता। हालात आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ, क्योंकि उस दिन हमारी एक सिख लड़की का अपहरण हुआ है, तो ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। यानी ये सब कुछ हो रहा है लेकिन इमरान खान कह तो रहे हैं नया पाकिस्तान हम बना रहे हैं जहां पर माइनॉरिटीज़ को उनके राइट्स मिलेंगे, उनको हम ध्यान रखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा वहाँ। माइनॉरिटी के राइट्स कौन से मिल रहे हैं? माइनॉरिटी के राइट्स अगर मिलें तो ये हालात होते? दो साल तक मैं जेल रह के आ गया हूँ, ये हालात बन गए थे वहाँ। तो आप अपनी फैमिली के साथ आप यहाँ पंजाब के खन्ना में रहना चाहते हैं, आपकी ससुराल यहीं पर है? ये तो मैं डिसाइड करूँगा, मैं यहाँ आया हूँ सालम लेने के लिए। इंडिया मोदी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारी मदद की जाए। हम लोग, मैं 5 जोड़ों में आया हूँ, 5 पाकिस्तानी ड्रेस पहन के आया था, ये मेरे अपने पाकिस्तानी कपड़े जो हैं, 5 जोड़े उठा के, क्योंकि मैं इसी तरीके से निकला हूँ, बहुत सोच समझ के वहाँ से निकला हूँ कि मेरे लिए कोई मसला ना हो जाए, मुझे रास्ते में कोई वो ना हो जाए, मैं ईद वाले दिन वहाँ से निकला हूँ। लेकिन बलदेव जी, ऐसे क्या हालात एकदम से वहाँ पर बदले? जो एक ननकाना साहिब में सिख लड़की के साथ जो कुछ हुआ, उसका जबरन धर्म बदल दिया गया, उसका जबरन निकाह करवा दिया गया, उससे आप लोगों को लगा कि अब यहाँ पर सुरक्षित हालात नहीं है, यहाँ से निकलना ही बेहतर? बिल्कुल यही हालात बन रहे हैं। और भी उधर लोग हैं, वो मेरी बहुत सारे इस तरह लोग हैं, जिस तरह मेरे अपने भाई हैं, वो मुझसे बात नहीं कर रहे थे कि तुम वहाँ जा रहे हो, ये कर रहे हो, वो उनको मैंने छोड़ दिया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। क्यों? हालात वहाँ बदल रहे। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा था कि निकलो वहाँ से, निकलो। और जो फैमिलियाँ हैं उधर पाकिस्तान में, मुझसे बहुत सारे इस तरह फैमिली हैं जो सिंध में हैं, ननकाना साहब में, पंजाब साहब में, उन्होंने बात की कि बलदेव अगर आप वहाँ सिक्योर हो गए, आपको वहाँ कुछ सालम मिल गया, तो हम भी अपनी कोशिश करेंगे निकल आएँ। यानी वहाँ पर हो क्या रहा है हिंदू लड़कियों के साथ, सिख लड़कियों के साथ? ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो नेता हैं सिख और हिंदू, उनकी भी हत्या कर दी जाती है, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। जो राइट्स, जो हकीकत बोलते हैं, फिर उनको कौन छोड़ता है? ये तो हकीकत है। तो अब भारत सरकार से क्या मदद चाहते हैं आप? भारत सरकार से मैं सालम के तवक्कात रखता हूँ, और यही है कि मैं यहाँ रहूँ, मुझे सिक्योरिटी चाहिए। इमरान खान को कुछ आप कहना चाहेंगे न्यूज़ 18 इंडिया के माध्यम से कि वो माइनॉरिटीज़ को जो वादा किया है उसको पूरा करें, माइनॉरिटीज़ को इस तरह से भारत भाग कर ना आना पड़े? बिल्कुल, ये तो हकीकत है। खान साहब, मैं अभी भी आपसे हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ, जो आपने MPA, जो MNA बनाए हैं, वो सारे फ्रॉड कर रहे हैं, अकलियत के लिए कुछ नहीं हो रहा। गुरुद्वारों की हालत देखो, प्लीज़ गुरुद्वारों पर थोड़ी तरस खाई जाए। हमारे उसमें गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ा है, गुरु ग्रंथ साहिब हमारा बादशाह है, हमें अपने बादशाह के लिए कुछ ना कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। अगर एक बंदा नहीं देगा तो सारे हम तबाह हो जाएंगे। सिखों से मैं बेनती अपने भाइयों से करता हूँ कि प्लीज़ कुछ करें, अपने आप को पहचानें। जो लोग हमारे गुरुओं के नहीं हुए, हमारे नहीं हो सकते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। अच्छा बलदेव जी, आपको लगता है जो कश्मीर में जो भारत ने 370 को हटाया, तो उसके बाद अचानक ही वहाँ पर माइनॉरिटीज़ के लिए पाकिस्तान में मुश्किल हालात बन गए, आप लोगों पर जुल्म ज़्यादा शुरू हो गया?
शायद हो सक उसका भी रिएक्शन हो सकता है, मगर मैं तो उससे थोड़ा हट के ना निकल आया था। काफ़ी टाइम से मेरे यही प्लान था कि किसी तरीके से मैं जाकर इंडिया सेटल हो जाऊँ और सालम ले लूँ। अब आप वापस नहीं जाना चाहते? नहीं, मैं वापस। तो ये माइनॉरिटीज़ के हालात हैं जो कि बलदेव कुमार बयां कर रहे हैं। एक विधायक होते हुए उनको पाकिस्तान से भागकर यहाँ इंडिया में अपने रिश्तेदारों के पास आना पड़ा है। अब वो पंजाब के खन्ना में ही रहना चाहते हैं और भारत सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि वो उनको यहाँ की नागरिकता देगी, राजनीतिक शरण देगी, ताकि इस तरह की जातियों से जो पाकिस्तान में वो झेल रहे थे उससे वो बच सकें। पंजाब के खन्ना से कैमरामैन चमन के साथ मोहित मल्होत्रा, न्यूज़ 18 इंडिया। पाकिस्तान में अगर तहरीक इंसाफ पार्टी जो कि इस वक्त सत्ता में है उसके विधायक को अगर वहां से भारत में आकर शरण लेनी पड़ सकती है, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो सिख और हिंदू पाकिस्तान में रह रहे हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके क्या हालात हैं। हमारे साथ बलदेव कुमार हैं जो कि खैबर पख्तूनख्वा से विधायक हैं और फिलहाल वो अपना जो उनका पंजाब के खन्ना में ससुराल है वहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर दो कमरे का ये किराए का मकान है जिसको वो किराए पर लेकर यहाँ रह रहे हैं और पाकिस्तान नहीं लौटना चाहते। अपने बच्चों के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ वो यहाँ पर आ गए हैं। बलदेव जी, बच्चों को साथ लेकर यहाँ पर आ गए हैं, अब उनका भविष्य क्या पाकिस्तान में ठीक नहीं लग रहा? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ, यही लग रहा था कि पाकिस्तान में ये लोग सुरक्षित नहीं है, मैं खुद नहीं हूँ तो वहाँ से निकला हूँ। यहाँ आपकी ससुराल है, आपकी पत्नी भारतीय है, भारत में जन्म हुआ था? हाँ हाँ बिल्कुल, वो लोग हैं, काफ़ी हेल्प की है, बल्कि ये लोग मार्च को यहाँ आए, ठीक है, उसके बाद फिर मैं आया हूँ यहाँ पहुँचा। ये बच्चों की अब आगे पढ़ाई का कैसे होगा? पाकिस्तान में पढ़ रहे थे, भारत में इनको आगे आप पढ़ाना चाहते हैं, भारत में इनका भविष्य देख रहे हैं? हाँ, वाहिगुरु करेगा, वाहिगुरु ने अगर इनके नसीब में चाहा तो होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। मैं तो यही मोदी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं 5 जोड़ों में निकला हूँ, वहाँ से कुछ अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रहा था तो मैं बहुत बहुत तरीक़ेकार से वहाँ से निकला। ये 11 साल की बच्ची है आपकी रिया, इसको आप बता रहे हैं थैलीसीमिया, इसको इलाज भी चाहिए, तो आप चाहते हैं कि भारत सरकार आपको यहाँ पर शरण दे, नागरिकता दे दे, ताकि आप यहीं पर रहकर इन बच्चों को आगे पढ़ा सकें, इसका इलाज कर सकें? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही चाहता हूँ मोदी सरकार से, बल्कि मोदी साहब इस तरह स्टेप उठा रहे हैं, मुझे तवक्कु है कि मेरे बच्चों के लिए बहुत कुछ हो जाएगा। मेरे बच्चों के लिए नहीं, बल्कि मैं तो अकेले अपने बच्चों के लिए नहीं, जितने भी वहाँ सिख कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी रह रही है उनके लिए भी रिक्वेस्ट करूँ। अभी रिया का इलाज चल रहा है यहाँ? हाँ, रिया का इलाज चल रहा है। केड़ी जगह तेरे चल दे रही है रिया? आप ठीक हो? अब यहाँ इंडिया में ही रहना चाहते हो? हाँ, यहीं रहना चाहती हूँ, मैं अपने नानी लोगों के पास रहना चाहती हूँ। पाकिस्तान नहीं जाना चाहते? नहीं। आप बताइए सैम, आप यहीं इंडिया में रहकर पढ़ाई करना चाहते हैं? हाँ, मैं भी यहीं रहना चाहता हूँ, मेरे नानी सारे यहाँ। पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते? क्या क्या बुरा लगता है पाकिस्तान? जी जी जी। तो अब आप आगे अपना पूरे परिवार के साथ यहीं पे सेटल होना चाहते हैं? यहीं पर सेटल होना चाहते हैं। तो पीएम मोदी से कुछ अपील करना चाहेंगे आप? ये मोदी साहब से यही रिक्वेस्ट है कि जिस तरह वो बब्बर शेर के काम कर रहा है, जिस तरह वो 370 का उसने किया है, इसी तरह मैं यही चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो मिनॉरिटी है, ठीक है, उन्होंने 7 साल अब वो किया है कि 7 साल में इनको नेशनलिटी मिलेगी, इसके साथ उन लोगों को इतना कुछ देना चाहिए कि वो लोग यहाँ से वहाँ से आके यहाँ अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, क्योंकि एक बंदा नया आए यहाँ और बल्कि मैं अपने लिए अकेले नहीं कह रहा हूँ, मैं सब के लिए कह रहा हूँ। रिक्वेस्ट यहाँ पे जा रहे हैं कि आपको देखकर जो वहाँ पे लोग परेशान हैं, तंग हो रहे हैं, वो भी इंडिया में आए, उनको शरण दी जाए? वो भी शरण, बिल्कुल उनको भी शरण दी जाए, ताकि यहाँ सुरक्षित लोग हैं, वो देख रहे हैं, मैं खुद यहाँ रह के मैं देख रहा हूँ कि मुझे कोई चीज़ की, तकरीबन आज मुझे 15 दिन हो गए, किसी चीज़ की पाबंदी नहीं है, हर तरफ जाता हूँ, घूमता हूँ, ठीक है, बस पाकिस्तान का बैच भी आप लगा के घूमे तब भी किसी ने? बिल्कुल, अमृतसर साहब में बिल्कुल घूमा था। तो ये बलदेव जी हैं जिनको ये बातें पसंद आ रही हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ अब वो भारत में रहना चाहते हैं। उनका कहना है कि भारत में अपनी बात रखने की आज़ादी है और जब वो पाकिस्तान से भारत पहुंचे थे तो पाकिस्तान का बैज लगाकर अमृतसर भी हो गए, वहाँ पर किसी ने उनको नहीं रोका, किसी ने उनसे नहीं पूछा, अब वो भारत में ही रहना चाहते हैं और चाह रहे हैं कि उनकी 11 साल की बेटी रिया जो कि थैलीसीमिया से पीड़ित है उसका आगे इलाज भी भारत में ही चले और बच्चों की पढ़ाई भी आगे भारत में ही रहे और इसी वजह से वो भारत में सेटल होना चाहते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगातार राजनीतिक शरण मांग रहे हैं। पंजाब के खन्ना से कैमरामैन चमन के साथ मोहित मल्होत्रा, न्यूज़ 18 इंडिया। और एक बड़ी खबर इस वक्त की, भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर के मुद्दे पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर मध्यस्थता की पेशकश की है। दरअसल व्हाइट हाउस में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने ये भी कहा है
कि पिछले दो हफ्ते के मुकाबले ये तनाव काफी कम हुआ है दोनों देशों के बीच, लेकिन अगर दोनों देश चाहें तो वो मध्यस्थता के लिए तैयार हैं। लेकिन बेहद खास ये भी कि G7 की बैठक में खुद प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत के बाद ये बात साफ कर दी गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी खुद कहा था कि ये द्विपक्षीय मुद्दा है और इसमें हम किसी तीसरे को तकलीफ नहीं देना चाहते। Having a conflict over Kashmir, as you know, I think it's a little bit less heated right now than it was 2 weeks ago, and I'm willing to help them. I get along with both countries very well. I'm willing to help them if they want. They know that that is out there. तो आपने सुना डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर दोनों देश चाहें तो मध्यस्थता के लिए वो तैयार हैं। संदीप बोल हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। संदीप, लेकिन भारत तो इस तरह की किसी भी मध्यस्थता की पेशकश को पहले ही खारिज कर चुका है, इस नई पेशकश से कोई असर पड़ सकता है? नहीं, देखिए, भारत ने अपना रुख पहले ही साफ कर दिया है। G7 की बैठक के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बकायदा डोनाल्ड ट्रंप के सामने प्रेस के सवालों के जवाब देते वक्त साफ कर दिया था कि वो किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता जो है वो नहीं चाहते हैं। उसी दिन से जो है एक मैसेज साफ हो गया है कि अमेरिका जो है अपनी तरफ से बात कर सकता है, लेकिन भारत की तरफ से अपना रुख वही साफ है कि दोनों देशों के बीच में कोई तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं हो सकती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी बोला है कि पिछले दो हफ्तों में जो है दोनों देशों के बीच तनाव कम हुआ, यानी कि अमेरिका जो है बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है सिचुएशंस को, और शायद यही वजह है कि इस तरीके की बातें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई हैं। पाकिस्तान तो हमेशा से चाहता है कि इसमें जो है अमेरिका मध्यस्थता करे या इंटरनेशनल कम्युनिटी इसमें बीच में आए और इस इशू को जो है उठाए, लेकिन भारत का क्लियर कट कहना है कि भारत जो है किसी भी तरीके की तीसरे देश की मध्यस्थता बर्दाश्त नहीं करेगा, जो कि दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को जाना जाता है, वो जो है उन्हीं के सामने उन्होंने मोदी जी ने सीधे तौर पर ये बात कही थी। तो कह सकते हैं कि इस तरीके के बयान आ सकते हैं, लेकिन उसका जमीन पे कुछ भी होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि भारत साफ कर चुका है कि वो इस तरीके कोई मध्यस्थता जो है वो नहीं चाहता है भारत और पाकिस्तान के बीच में। शुक्रिया संदीप। वहीं जिनेवा में यूएन ऑफिस के सामने पाकिस्तान के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन के पोस्टर्स दिखाई दिए और इन पोस्टर्स में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा की तस्वीरें थी। जिनेवा में यूएन ऑफिस के सामने न सिर्फ ये पोस्टर लगाए गए थे बल्कि एक टेंट भी लगाया गया था जिसमें बलूचिस्तान में पाकिस्तान के किए गए नरसंहार के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जानी है। इस टेंट में मानवाधिकार समूहों की बैठक भी होनी है जिसमें पाकिस्तान में जारी मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर चर्चा होनी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा में लंबे समय से मानवाधिकार का हनन हो रहा है। इन दिनों ये जो हिस्से हैं वहां लोग पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं। दोनों इलाकों की कोई भी खबर मुल्क से बाहर ना जाए, इसके लिए पाकिस्तानी सरकार और सेना इन इलाकों में विदेशी तो दूर पाकिस्तानी नागरिकों को भी आसानी से नहीं जाने देते। बढ़ रहे आगे, उत्तर प्रदेश के बागपत में एक छात्र की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में दिखा कि स्कूल में परेड करवाई जा रही थी जिसमें एक छात्र जमीन पर गिर गया। छात्र के जमीन पर गिरने के बाद वहां मौजूद टीचर ने जमीन पर गिरे छात्र को लात घूंसे और डंडों से जमकर पीटा। तो तस्वीरें उत्तर प्रदेश की बागपत की है। दरअसल यहाँ पर परेड हो रही थी, उसी दौरान एक जो लड़का था, छात्र था, वो गिर गया जिसके बाद जमकर उसकी पिटाई उसके ही टीचर ने कर दी। तो उत्तर प्रदेश के बागपत में एक छात्र की बेरहमी से पिटाई का ये वीडियो जो है वो सामने आया है। स्कूल परिसर का ही वीडियो में दिखा कि स्कूल में परेड करवाई जा रही थी जिसमें एक छात्र जो है वो जमीन पर गिर गया। साथ छात्र के जमीन पर गिरने के बाद वहां जो मौजूद टीचर था वो उस तक पहुंचता है, ये नहीं कि उसको उठाया जाए बल्कि वहां पर वो टीचर लात घूंसों से डंडों से उस छात्र को जमकर पीटता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ और जो छात्र हैं वो परेड की जो क्रिया है वो करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन एक छात्र इसी बीच जो है वो जमीन पर गिर गया जिसके बाद जो टीचर उन्हें परेड करा रहे थे वो वहां पहुंचे और उस छात्र को जमकर पीटा लात घूंसों की मदद से और डंडे की मदद से। उधर दिल्ली में खुलेआम पार्क में शराब पीने का एक वीडियो सामने आया है जो दिल्ली पुलिस के दावों की पोल खोल रहा है। वीडियो में दिल्ली पुलिस का एक कांस्टेबल भी आपको शराब पीता हुआ नजर आ रहा होगा। वीडियो दिल्ली के विवेक विहार इलाके का है जिसके सामने आने के बाद पुलिस ने अपने कांस्टेबल को फिलहाल सस्पेंड कर दिया है, लेकिन ये तस्वीरें कई सवाल दिल्ली पुलिस पर खड़ी करती हुई नजर आ रही हैं।
आपको बता दें ये दिल्ली की तस्वीरें जो खुलेआम पार्क में आप देख रहे हैं, शराब पीते हुए लोग नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ वहां पर दिल्ली पुलिस का एक कांस्टेबल भी मौजूद है जो लोगों के साथ शराब पीता हुआ दिख रहा है। वीडियो जो है वो बताया जा रहा है दिल्ली के विवेक विहार का है, जिसके बाद अब इस पर कार्रवाई हुई है। पुलिस ने अपने कांस्टेबल को फिलहाल सस्पेंड कर दिया है। वर्दी में ही आपको नजर आ रहा होगा शख्स, उसके बाद शराब पीता हुआ भी दिख रहा है। तो दिल्ली के विवेक विहार इलाके का ये वीडियो है, जिसके बाद अब कार्रवाई भी इस कांस्टेबल पर हुई है। उधर पश्चिम बंगाल के आसनसोल में मरीज की मौत के बाद टीएमसी के युवा नेताओं ने एक निजी अस्पताल के डॉक्टरों की पिटाई कर दी। डॉक्टरों की पिटाई का आरोप टीएमसी के युवा नेता रघु चौबे और उसके साथियों पर लगा, जिन्होंने पुलिस की मौजूदगी में डॉक्टर की पिटाई की। वहीं पीड़ित परिवार ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए डॉक्टरों से 20 लाख रुपए का मुआवजा मांगा है। तो पश्चिम बंगाल की तस्वीरें हैं जहां पर मरीज की मौत हुई, उसके बाद टीएमसी के जो युवा नेता हैं वहां पहुंचते हैं और निजी अस्पताल के जो डॉक्टर हैं उनकी जमकर पिटाई करते हुए तस्वीरों में कैद हुए। डॉक्टर पिटाई का आरोप जो है वो टीएमसी के युवा नेता जो बताए जा रहे हैं रघु चौबे और उनके जो साथी हैं उन पर लगा है, जिन्होंने पुलिस की मौजूदगी में डॉक्टर की पिटाई की। सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि पुलिस वहां मौजूद थी, जो सुरक्षा देने के लिए वहां मौजूद थी, लेकिन आखिरकार वहां पर टीएमसी के जो नेता है गुंडागर्दी करते नजर आ रहे हैं, डॉक्टरों को पीटते नजर आ रहे हैं, लेकिन ये पुलिस वाले वहां चुपचाप तमाशबीन बने खड़े हैं, मूक दर्शक बने खड़े रहे। खान की पार्टी के पूर्व विधायक बलदेव कुमार ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की बात कहते हुए पाकिस्तान की खोली पोल, परेशान होकर भारत में शरण मांगी। वहाँ हालात इस तरह है, मैं खुद सुरक्षित नहीं हूँ, मैं और भी बहुत सारे लोग हैं वहाँ पाकिस्तान में जो इंडिया आना चाहते हैं, जो निकलना चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच तनाव कम होने की बात मानने के बावजूद कश्मीर पर मध्यस्थता का राग फिर अलापा। कश्मीर में घुसपैठ के लिए पाकिस्तान ने रची नई साजिश, पीओके से आतंकियों को कश्मीर भेजने के लिए एलओसी पर बैट कमांडो तैनात किए। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर के बाहर पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से परेशान लोगों ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़े पोस्टर और बैनर लगाकर इमरान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। चालान के दौरान दिल का दौरा पड़ने से गाजियाबाद में एक आदमी की मौत पर बवाल, परिवार का आरोप नोएडा पुलिस की बदसलूकी की वजह से हुई मौत। इसरो की लगातार कोशिश के बावजूद अभी तक विक्रम लैंडर से नहीं हो पाया संपर्क, अगले 10 दिन होंगे बेहद अहम। पीएम मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आज भारत नेपाल क्रॉस बॉर्डर पर ऑयल पाइपलाइन की शुरुआत करेंगे। चीन के सोशल मीडिया पर लोगों ने मिशन चंद्रयान 2 और इसरो की तारीफ करते हुए कहा कि वैज्ञानिकों को चांद की सतह पर विक्रम लैंडर से संपर्क होने की उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। तौर पर बंद की गई इंटरनेट सेवा को ज्यादती बनाने वाले पाकिस्तान के यहाँ भी कई शहरों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची समेत कई ऐसे शहर हैं पाकिस्तान के। अब बौखलाए पाकिस्तान किसी भी हालत में, पाकिस्तान सेना की बैट कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ की साजिश रच रही। पिछले 3-4 दिनों से 3 जगहों पर एक साथ बैट कमांडोज की मूवमेंट यहाँ पर देखी गई है। इमरान खान के एक पूर्व विधायक ने उनकी ही पार्टी और सरकार के काले चेहरे को बेनकाब किया। पाकिस्तान से भारत में शरण लेने के लिए पहुंचे विधायक बलदेव कुमार, मोदी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं हमारी मदद की जाए। आसाम के अंदर रह भी नहीं पाएगा और दूसरे राज्य में घुस भी, क्योंकि हम सिर्फ आसाम को घुसपैठ से मुक्त करना नहीं चाहते,
पूरे देश को घुसपैठी से मुक्त करना चाहते हैं। जब मैं पूरा देश कहता हूं तो नॉर्थ ईस्ट के साथ राज्य बनाए। यूपी के रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां और उनके परिवार की मुश्किलें और बढ़ गईं। किसानों की जमीन पर जबरन कब्जा करने के मामले में पूछताछ के लिए पुलिस ने आजम खां के परिवार को नोटिस जारी किया और रामपुर में आजम खां के घर के बाहर चार नोटिस चिपका दिए। पुलिस ने आजम खां की पत्नी तंजीम फातिमा, बेटे अब्दुल्ला आजम और अदीब आजम के नाम से नोटिस जारी करके उन्हें 3 दिन के अंदर पूछताछ के लिए तलब किया। नोटिस आईओ का विवेक है, उसने फिलहाल 3 दिन की नोटिस दी है, उसके बाद नहीं आते तो अगला नोटिस दिया। पुलिस के मुताबिक आजम खां की पत्नी और दोनों बेटे जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के सदस्य हैं, इसलिए किसानों की जमीन पर कब्जा करने के मामले में इन सभी से पूछताछ करना जरूरी है। जो उसमें ट्रस्टी है, उन ट्रस्टीज में से कुछ को बयान अंकित कराने के लिए नोटिस विवेचक द्वारा जारी किया गया है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को रामपुर जाने से रोक दिया गया। अखिलेश यादव आजम खां पर हो रही कार्रवाई के खिलाफ उनका साथ देने रामपुर जाने वाले थे, जिसके लिए वो लखनऊ के अपने घर से भी निकले, लेकिन ऐन वक्त पर प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर अखिलेश यादव का रामपुर दौरा रद्द कर दिया, जिसके बाद अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्हें रामपुर जाने से रोकने को सरकार की चाल करार दिया। जानबूझ करके इस तरह का माहौल प्रशासन ने बनाया है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि रामपुर में कोई सच्चाई जान ले। यही नहीं, उन्होंने आजम खां पर एक के बाद एक हो रही कानूनी कार्रवाई पर भी सवाल खड़े कर दिए। कई ऐसे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं जिनकी जानकारी किसी को है ही नहीं। कांग्रेस ने भी अखिलेश को रामपुर जाने से रोकने का विरोध किया। अखिलेश अगर रामपुर जाना चाहते हैं तो सरकार को क्या प्रॉब्लम है, और अगर कानूनी व्यवस्था ठीक नहीं है तो सरकार को मानना चाहिए कि कानूनी व्यवस्था उनके बस से बाहर है। लेकिन रामपुर जिला प्रशासन के मुताबिक मोहर्रम के जुलूस की वजह से अखिलेश को रोका गया और वो जब भी रामपुर आना चाहें आ सकते हैं। ताजिए का जुलूस निकलना है 10 तारीख को, तो हमें तो व्यवस्था इस तरीके की करनी है कि किसी को कोई व्यवधान न हो, उनको भी व्यवधान हो। रामपुर में अखिलेश यादव का अगला कार्यक्रम 13 और 14 सितम्बर को होगा। हालांकि राज्य सरकार ने यह साफ कर दिया कि अखिलेश के रामपुर जाने से सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अब वो भी भूमाफिया को बचाने जा रहे हैं। कानून के साथ कोई खिलवाड़ ना करे, बाकी लोकतंत्र है, किसी को कहीं पर भी जाने की स्वतंत्रता है, लेकिन कानून का उल्लंघन ना हो और कहीं पर भी अराजकता पैदा करने की कोशिश ना करे। सौ बात की एक बात यह कि आजम खां के बाद अब उनके परिवार पर भी कानूनी शिकंजा कस गया, क्योंकि ये सभी लोग जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के सदस्य हैं। हालांकि आजम खां के खिलाफ हो रही कार्रवाई का समाजवादी पार्टी लगातार विरोध कर रही है और आजम खां के साथ खड़ी। हरियाणा में कांग्रेस ने बीएसपी से गठबंधन की खबरों को खारिज कर दिया। हरियाणा में कांग्रेस की चुनाव प्रचार समिति के प्रमुख बनाए गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मायावती से मुलाकात की खबरें खारिज कर दी और बीएसपी से गठबंधन से साफ इनकार कर दिया। बसपा से गठबंधन की बयार सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है, अभी तक तो कोई ऐसी कोई बात नहीं है, कोई अभी कोई मेरी मुलाकात नहीं हुई। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भोपाल में बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया और लोगों की समस्याओं को सुना। पक्का मकान बना के और आपको पास में ही करें फ्री में, ठीक रहेगा, मंजूर हो जाओगे। दिल्ली के पास गुरुग्राम में कुछ छात्राओं ने अपने एक टीचर पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया। जो इस संबंध में पुलिस द्वारा केस रजिस्टर किया जाकर जो आरोपी है उसको हिरासत में ले लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में घिरे रॉबर्ट वाड्रा ने विदेश जाने के लिए दिल्ली की एक अदालत से इजाजत मांगी। मद्रास हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश के पद से इस्तीफा देने वाली विजया टहल रमानी के समर्थन में कुछ वकीलों ने प्रदर्शन किया और उनका मेघालय तबादला किए जाने के फैसले को गलत ठहराया। वी आर ओनली अपीलिंग एंड रिक्वेस्टिंग द कोलिजियम टू टेक बैक देयर ऑर्डर। कर्नाटक के बेलगावी में एक लड़के पर अपने पिता की बेरहमी से हत्या करने का आरोप लगा, जिसके बाद ये दावा किया गया कि लड़के को मोबाइल पर पबजी गेम खेलने से रोका गया था। बीसीसीआई के प्रशासकों की समिति ने बोर्ड के सचिव को नोटिस भेजा और लंदन में हुई आईसीसी की बैठक में हिस्सा न लेने पर 7 दिन में जवाब मांगा। ऑस्ट्रेलिया ने एशेज सीरीज का चौथा टेस्ट मैच 185 रनों से जीतकर सीरीज में 2-1 से बढ़त हासिल कर ली। Magnificent game of cricket here at Old Trafford. Marvelous scenes.
यूपी के कानपुर में ट्रैफिक नियमों की अहमियत लोगों को बताने के लिए कुछ लोगों ने हेलमेट पहनकर गणेश पूजा की। मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव लागू होने के बाद ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है। इसीलिए लोगों को ट्रैफिक नियमों की अहमियत समझाने के लिए कुछ लोगों ने हेलमेट पहनकर गणेश आरती की। पूजा के दौरान हेलमेट पहने इन लोगों ने जयकारे भी लगाए। जागरूकता फैलाने के दौरान इन लोगों ने दूसरे लोगों से ट्रैफिक नियमों को नहीं तोड़ने की अपील की। हम लोग जन जन में संदेश देंगे कि सभी लोग ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, सीट बेल्ट लगा के चलें, घर हेलमेट लगा के चलें। साथ ही कानपुर नगर निगम से बदहाल सड़कों को दुरुस्त करने की मांग की। कानपुर की रोडों का निर्माण करें क्योंकि ये रोडों में चलने में लोगों को परेशानी हो रही है। इन लोगों ने टू व्हीलर पर हेलमेट पहनकर चलने और बाकी ट्रैफिक नियमों की अनदेखी नहीं करने की सीख देने वाले पोस्टर भी हाथों में पकड़े हुए थे। सौ बात की एक बात यह कि लोगों को ट्रैफिक नियमों की अहमियत बताने के लिए लोगों ने हेलमेट पहनकर गणेश पूजा की। साथ ही हादसे रोकने के लिए नगर निगम से बदहाल सड़कों को ठीक करने की भी मांग की। इमरान खान की पार्टी के पूर्व विधायक बलदेव कुमार ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की बात कहते हुए पाकिस्तान की खोली पोल, परेशान होकर भारत में मैं खुद सुरक्षित नहीं हूं, मैं और भी बहुत सारे लोग हैं वहां पाकिस्तान में जो इंडिया आना चाहते हैं, जो निकलना चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच तनाव कम होने की बात मानने के बावजूद कश्मीर पर मध्यस्थता का राग फिर अलापा। कश्मीर में घुसपैठ के लिए पाकिस्तान ने रची नई साजिश, पीओके से आतंकियों को कश्मीर भेजने के लिए एलओसी पर बैट कमांडो तैनात किए। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर के बाहर पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से परेशान लोगों ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़े पोस्टर और बैनर लगाकर इमरान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। चालान के दौरान दिल का दौरा पड़ने से गाजियाबाद में एक आदमी की मौत पर बवाल, परिवार का आरोप नोएडा पुलिस की बदसलूकी की वजह से हुई मौत। इसरो की लगातार कोशिश के बावजूद अभी तक विक्रम लैंडर से नहीं हो पाया संपर्क, अगले 10 दिन होंगे बेहद अहम। मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आज भारत नेपाल क्रॉस बॉर्डर पर ऑयल पाइपलाइन की शुरुआत करेंगे। चीन के सोशल मीडिया पर लोगों ने मिशन चंद्रयान 2 और इसरो की तारीफ करते हुए कहा कि वैज्ञानिकों को चांद की सतह पर विक्रम लैंडर से संपर्क होने की उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। देश के ज्यादातर राज्यों में बाढ़ का कहर बरप रहा है। मध्य प्रदेश के सभी 32 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। नीमच में भी लगातार हुई बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए और बारिश का पानी सड़कों पर किसी उफनती हुई नदी की तरह बहने लगा। सड़क पर पानी की लहरें इतनी जबरदस्त थी कि उनके सामने टिकना भी मुश्किल हो गया। सड़क पर बह रहे सैलाब ने किनारे खड़ी एक भारी भरकम गाड़ी को बहाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में वो गाड़ी बीच सड़क पर ही पलट गई और तेजी के साथ बहती हुई दिखी। सड़क पर बह रहे पानी में दो बाइक भी डूबी नजर आई। सड़क पर बह रहे पानी की ताकत देख इलाके के लोग भी डरे नजर आए, क्योंकि ऐसा मंजर किसी के नजरों के सामने अगर होगा तो आलम डर का ही होगा। और वही आलम लोगों के मन में इस वक्त घर करके बैठा है। लहरों के बीच किस तरह से वहां पर जो गाड़ियां हैं वो बहती हुई नजर आ रही हैं। लोग जहां पर भी रुके हुए हैं वही थम चुके हैं, क्योंकि अब बाहर का रास्ता बहुत मुश्किल है, पानी का बहाव बहुत तेज है। नीमच की सड़कों पर सैलाब बहता हुआ दरअसल ये दिख रहा है और ये बेहद खतरनाक है। इसका अंदाजा आसपास के जो गांव है या आसपास के जो रिहायशी इलाके जहां पर लोग रह रहे हैं उनके लिए समझ पाना बेहद आसान है। लोग इतने डर इस समय हुए हैं कि अपने घरों में ही दुबक के बैठने को मजबूर है।
वहीं मध्य प्रदेश में लगातार भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ने लगे हैं। बरगी और तवा बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से हरदा जिले में नर्मदा नदी उफान पर आ गई और नदी के पानी में जैसे सब कुछ डूबा हुआ नजर आने लगा। पानी में मकानों की पहली मंजिल पूरी तरह डूबी नजर आई। जान बचाने के लिए लोगों को मकान की छत पर आना पड़ा। नदी किनारे बना एक मंदिर पूरी तरह लहरों में डूबा नजर आया। पानी मंदिर की छत को छूते हुए बहता नजर आया। बाढ़ ने छात्राओं के एक हॉस्टल को भी अपनी चपेट में ले लिया। वहां हर तरफ पानी भरने की वजह से छात्राएं सैलाब के बीच में ही फंस गईं। हालात को देखते हुए वहां बचाव दल की टीमें भेजी गई हैं, जिसके बाद सभी छात्राओं को नावों के जरिए वहां से सुरक्षित बाहर निकाला गया है। सारा प्रशासन का अमला यही है, तहसील हमारा पूरा रेवेन्यू अमला यही है, और जो सुबह पीड़ित थे सबको राहत शिविर में पहुंचा दिया गया है। लड़कियां जो हॉस्टल से निकाली थी वो हाईवे स्ट्रीट में रख दी गई हैं और शाम रात में भी वो वहीं रहेंगी। अभी हम लोगों ने अपना पूरा लाइट किस किस को रुकना है पूरी व्यवस्था है, अनाउंसमेंट भी करा दिया है कि रात में पार्टी बढ़ने की आशंका है। वहीं अहमदाबाद में लगातार बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। अहमदाबाद के इसनपुर इलाके में ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां लोगों की मुश्किलें बारिश ने बहुत बढ़ा दी है, तो किस कदर लोग परेशान होंगे। बारिश जो है वो लगातार हो रही है, जिसकी वजह से पानी जो है वो उतनी तेज रफ्तार से निकल नहीं पा रहा है और पानी सड़कों पर भरता ही जा रहा है, जिसकी वजह से यातायात बहुत धीमा वहां पर हो गया है। लोगों को कहीं भी आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जनक दबे हमारे सहयोगी अहमदाबाद से जुड़ चुके हैं। अहमदाबाद से क्या तस्वीर दिखा रहे हैं जनक? अर्पिता, वो मैं आपको तस्वीरें सबसे पहले दिखाऊंगा। ये श्रीनगर इलाका है, आप देख सकते हैं ये सोसाइटी है, ये कोई पानी के बीच में सड़क नहीं बनी है, उस तरह की सड़कों पे ये पानी दिख रहा है और ये सोसाइटी का है, ये आम सड़क भी नहीं है और सोसाइटी के अंदर ये पानी भरा है। अमूमन ये निचला इलाका ज़रूर है, लेकिन हर बार हर मौसम में बारिश, जब हर बरसात के मौसम में बारिश होती है तो यही हालत होती है। यहाँ जो सोसाइटी के लोग हैं वो भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं, ख़ासतौर पर जिनके नीचे मकान है। बाकी तस्वीरें भी कैमरामैन अनूप से कहूँगा, जो मेरे आपकी राइट साइड भी दिखाएंगे कि देखिए ये एक्टिवा जहाँ से निकल रहा है उसको निकलने में भी दिक्कत हो रही है। इससे पहले इससे भी ज़्यादा थोड़ा पानी था, लेकिन वहाँ वाटर पंप लगाए गए और पानी बाहर सड़क पे फेंका जा रहा है, जिसके चलते उसका थोड़ा जो स्तर है वो नीचे हुआ, तो लोगों को यहाँ पर ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं जो सोसाइटी में रहते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजेश मिस्किन, मैं पिछले 20 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ। 20 साल से मैं सबको ये चिल्ला चिल्ला के हर साल इसी टाइम पर हर एक वर्ष बारिश के सीज़न में यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है, इससे भी ज़्यादा हो रहा है। जो नीचे रहने वाले आदमी हैं उनका तो घर बार पूरा सारा इसी में डूब जाता है। कहते थक गए कि इस सोसाइटी का कुछ कीजिए, पर आज तक किसी ने कुछ भी नहीं किया। ये है लोगों का गुस्सा आमतौर पर, बाकी लोग भी हैं। ये भाई साहब देखिए बाइक लेके जा रहे थे और उनको नीचे स्लीप हो गए, रह गए, हालांकि कोई चोट नहीं आई उनको, लेकिन इस तरीके से भी खतरा रहता है। जब आप पानी से गुजरते हैं तो अंदाज़ा नहीं होता सड़क नीचे कितनी गहरी है या अंदर गड्ढा है या नहीं। तो कुछ और लोग भी हैं। सर, किस तरीके की हालत यहाँ पर होते हैं, ये हर साल होता है? हर साल, हम 20 साल से इधर रहते हैं, 20 साल से ये प्रॉब्लम है। और नीचे का मकान वाला तो इतना परेशान हो जाते, कभी कभी दूसरे के घर रहने जाना पड़ता है, इतना पानी घर में भी कभी कभी घुस जाता है, लेकिन कोई सुनने भी नहीं आता है, कोई बाहर का कोई देखने भी नहीं आता है। 5 साल में एक बार पताका लगाने आते हैं, वो जाहिरात करते हैं, सभा भरते हैं, सबको खाना खिलाते, फिर बार 5 साल बाद आते हैं। बिल्कुल 5 साल बाद राजनेताओं पर सीधा उनका हमला है कि देखिए ये हम धीरे धीरे आपको वहाँ तक भी ले जाएंगे। कुछ महिलाएं जो सर अपने घर के चौखट पर वहाँ खड़ी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। ये स्थिति है पूरे श्रीनगर इलाके की, ये अहमदाबाद का पश्चिम इलाका लगता है अर्पिता, और हर जगह पे ये तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। पूर्वी इलाके में भी यही हाल है, वहाँ पर यहाँ पर महिलाएँ उनसे बात करते हैं। मैडम, हर बार ये स्थिति होती है, यहाँ पर दिक्कतें होती हैं? हर बार यहाँ होती है। पानी घर में अभी आ जाया है? नहीं, ऐसा तो नहीं आया, लेकिन कंटिन्यूस चालू होता ना तो आ जाता, अब बंद हो गया ना। बारिश रुकी हुई है? हाँ, देखिए बारिश रुकी हुई है, इसके चलते ये, और आप देख रहे हैं कि लेवल से भी अपना मकान उनको ऊंचा करना पड़ता है।
लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये पूरी की पूरी सोसाइटी में अगर आपको देखिए, वो सामने से एक गाड़ी आ रही है, उसका पहिया तक वहाँ डूब चुका है। ये सड़क नहीं है अहमदाबाद की, ये सोसाइटी की सड़क है। सोसाइटी में इस तरीके का आलम देखने को मिल रहा है। लोगों को खासा नुकसान अभी होता है जब नीचे मकान जिनके हैं, जिनके घरों में पानी घुस जाता है, फर्नीचर को नुकसान होता है, बाकी सारी चीज़ों को नुकसान होता है। और यही न कि केवल अहमदाबाद बल्कि अहमदाबाद का जो पूर्व पश्चिमी इलाका है, नहीं बल्कि पूर्वी इलाके में भी फिलहाल अभी यही स्थिति है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी दी है, लेकिन फिलहाल अभी बारिश जरूर हो गई लेकिन अभी फिलहाल रुकी हुई है। हो सकता है ये पानी का स्तर कुछ घंटे बाद उतर जाए, लेकिन जैसे ही बारिश ज़्यादा होगी वापस यहाँ पानी भरना शुरू हो जाएगा और लोगों की तकलीफें जस की तस रहेगी। अर्पिता जी, उधर मध्य प्रदेश के मंदसौर में लगातार बारिश के बाद गांधी सागर बांध जो है उसके गेट खोले गए हैं। बांध से 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके बाद निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बांध का पानी राजस्थान के कोटा जिले पहुंच रहा है, वहां भी अलर्ट जारी किया गया है। सायरन बजाकर आसपास के जो निचले इलाके हैं, गांव हैं, उनको पहले ही इस बारे में अलर्ट किया गया था कि जल्द से जल्द वो सुरक्षित ठिकानों की तलाश कर लें, क्योंकि अगर बांध के गेट खोले जा रहे हैं, पानी जरा आप देखिए इतनी मात्रा में अगर ये पानी निकल रहा है, तो जाहिर तौर पर जब ये निचले इलाकों में जाएगा तो दिक्कतें वहां पर लोगों की बढ़ेंगी। और सबके मद्देनजर वहां पर लोगों को फिलहाल एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। 2 लाख क्यूसेक पानी ये छोड़ा गया है, जिसके बाद निचले इलाके किस तरीके से जलमग्न हो सकते हैं इसका अंदाजा वहां रह रहे लोगों को है। अभी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सुरक्षित ठिकानों की तरफ कूच करना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी लोग वहां पर बने हुए हैं जिनको प्रशासन लगातार अलर्ट कर रही है, उनको बोल रही है कि आप सुरक्षित ठिकानों तक पहुंच जाएं, क्योंकि स्थितियां अभी फिलहाल यहां बिगड़ सकती हैं। तो मध्य प्रदेश की तस्वीरें अलग अलग इलाकों की, जहाँ पर जो पानी है वो लोगों के लिए दिक्कतें अब खड़ी कर रही है। वहीं जरा मध्य प्रदेश के छतरपुर की तस्वीरें देख लीजिए। पानी के बीच फंसे 9 लोगों को सुरक्षित वहां पर निकाला गया है। ये लोग 24 घंटे से पानी के बीच फंसे हुए थे। छतरपुर में भारी बारिश के बाद गजान नदी में उफान है, जिसकी वजह से दर्जनों गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। लोग जहां कहां रुके हुए थे वहीं पर फंसे नजर आ रहे हैं, जिसके बाद राहत और बचाव दल जो है वो युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। कोशिश है कि जो भी फंसे हुए उन्हें जल्द से जल्द निकाला जाए, और ऐसे में 9 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और उन्हें सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया गया है। 24 घंटे से पानी के बीच में ये लोग फंसे हुए थे, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों की है। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे ही अलग अलग इलाकों में फंसे हो सकते हैं, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ये बात वहां बचाव दल भी कहता हुआ नजर आ रहा है, इसीलिए वो लगातार नाव की मदद से, बोट की सहायता से कोशिश कर रहे हैं कि उन इलाकों तक पहुंचा जाए जहां कहीं लोग फंसे हैं, तो उन्हें निकाला जाए, सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचाया जा सके। और इसी के तहत 9 लोग जो 24 घंटे से पानी के बीच में फंसे हुए थे उन्हें रेस्क्यू किया गया है। कई गांव वहां पर अभी भी है जो टापू में तब्दील हो गए हैं। लोगों का आशियाना उजड़ गया है, कई मवेशी भी हैं जो भी फंसे हुए उनको भी निकालने का काम लगातार जारी है। वहीं मध्य प्रदेश के सीहोर की तस्वीर आप देख लीजिए, वहां पर भी लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण वहां लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश की वजह से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कोलार डैम से पानी छोड़े जाने के बाद सीहोर के जो निचले इलाके हैं वहां बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जिसकी वजह से 1 दर्जन गाँवों का सड़क से संपर्क टूट गया है। लेकिन इन सब के बीच आने जाने वाले जो लोग हैं वो अभी भी जान जोखिम में डालने के लिए मजबूर हैं। भारी बारिश की वजह से नर्मदा, सी, कोलार और अंबर नदियां जो हैं वो उफान पर है। यानी अगर इतनी सारी नदियां उफान पर होंगी किसी इलाके में, तो वहां तस्वीर कितनी भयावह होगी अंदाजा आप लगा सकते हैं। वहां जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। घुटनों तक जो पानी पहुँच चुका था वो अब और बढ़ता हुआ दिख रहा है। ऊपर से जो बारिश हो रही है आसमान से, उससे भी लोगों की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। लोग फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, अपने घरों की छत पर फिलहाल रुके हुए हैं। इन सब के बीच इस तरीके की तस्वीरें भी सामने आती हैं, जब लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर सड़क पार करते हुए या पुल पार करते हुए नजर आते हैं।
वहीं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में राधा कृष्ण का जुलूस कमर तक पानी के बीच निकाला गया। डोल गया से ये राधा कृष्ण का जुलूस निकाला जाता है। बाढ़ का पानी इलाके में इतना था कि दुकानें डूब चुकी थीं, लेकिन इन सब के बीच लोगों की श्रद्धा जो थी वो कम नहीं हुई और उन्होंने पानी के बीच राधा कृष्ण की डोली निकाली है। आधा आधा कमर पर ये लोग डूबे हुए थे, कमर तक पानी भरा हुआ है उन सब के बीच। रायसेन जिले में ये लोग राधा कृष्ण की डोली जुलूस निकालते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक परंपरा है जिसको वो तोड़ना नहीं चाहते। यानी कितना भी कहर उनके सामने पानी के रूप में बरस रहा हो, लेकिन इन सब के बीच उनका जो रोजमर्रा का काम है वो लगातार जारी है और आस्था उनकी कहीं टूटी नहीं है। उधर मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले का भी यही हाल दिखा, जहां मंदिर के आगे पानी ही पानी नजर आया। पुल पर पानी आने की वजह से बगलामुखी मंदिर का जो रास्ता है वो बंद हो गया, जिसकी वजह से लोग मंदिर नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे कई रास्ते हैं जिन पर पानी इस वक्त भरा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। कई गांवों का संपर्क टूट गया है, रास्ते एकदम ठप हो गए हैं, यातायात वहां बिल्कुल बाधित हो गई। जिस सड़क पर एक वक्त पर वाहन जो है वो रफ्तार से दौड़ता था, लेकिन आज वहां पर आप वाहन लेकर निकलने का सोच नहीं सकते हैं। आपको एक ही विकल्प और एक ही रास्ता नजर आता है, वो है नाव, और नाव की सहायता से ही लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में यही स्थिति है कमोबेश, जहां लोग बेहद परेशान हैं। ये मंदिर परिसर आप देखेंगे अगर आगे, ये रास्ता दरअसल मंदिर तक पहुंचने का रास्ता था, लेकिन अब यहाँ पानी ही पानी नजर आ रहा है और इस पानी के बीच से मंदिर तक जाना लोगों के लिए काफी जोखिम भरा है और इस बात का आभास भी उन लोगों को है। उत्तरी दिल्ली के डीआरडीओ के मेट कैफे हाउस में एक सिपाही ने गोली मारकर खुदकुशी की है। खुदकुशी करने वाला जवान हरजीत सिंह सेना का जवान था जो डीआरडीओ में तैनात था। हालांकि खुदकुशी के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, हरजीत सिंह नाम के जवान ने गोली मारी है खुद को। डीआरडीओ में तैनात था ये सिपाही, उसने खुदकुशी की है। खुदकुशी की वजह क्या है, इन सब पहलुओं पर अभी जांच हो रही है, लेकिन ये एक बड़ी खबर फिलहाल मिलती हुई नजर आ रही है। दिल्ली डीआरडीओ में ये सिपाही तैनात था जिसने खुद को गोली मारी है, खुदकुशी की है, जिसके बाद अब वजह तलाशने की कोशिश हो रही है कि आखिरकार खुदकुशी की वजह क्या रही। क्या कोई पारिवारिक मामला है जिसकी वजह से इस जवान ने खुदकुशी की, या फिर किसी प्रकार का दबाव उस पर था, इन सब पहलुओं पर फिलहाल जांच जारी है। दिल्ली के नॉर्थ जिले में सेना के जवान ने डीआरडीओ के अंदर तैनाती के दौरान खुदकुशी की। लगभग सुबह 9:30 बजे की ये घटना बताई जा रही है और सेना का जवान जो था अपनी ड्यूटी को पूरी करके पास में जो कैंटीन था वहाँ पर खाना खाने गया था और बताया जा रहा है कि खाना खाने के बाद वो उस कैंटीन के बाहर आया और उसके बाद उसने खुद की राइफल से अपने सिर के पास जो है वो गोली मारी है और उसके बाद वहीं पर वो गिर गया। क्योंकि जब तक ये हादसे की जानकारी मिलती उस वक्त वहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन उसके बाद तुरंत ही दिल्ली पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद क्राइम टीम यहाँ पर आई है और मेटकाफ हाउस, ये बताया जा रहा है कि मेटकाफ हाउस जो है वो डीआरडीओ के अंदर है और वहीं पर उसकी तैनाती थी। मृतक का नाम हरजीत सिंह था, जो जिसकी उम्र 51 साल थी। वहीं हरजीत सिंह काफ़ी समय से यहाँ पर तैनात था और रात की तैनाती के बाद सुबह उसने लगभग 9:30 बजे खुद को गोली मारी है। सुरक्षा कर्मी जो दूसरे तैनात थे उन्होंने उसे देखा, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। वहीं अभी पुलिस की टीमें अंदर जांच कर रही कि क्या उसके पास कोई खुदकुशी सुसाइड करने का कोई नोट भी छोड़ा है या नहीं, क्योंकि अभी तक वजह साफ नहीं हो पाई। लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि किसी न किसी दबाव की वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया है। बहरहाल दिल्ली पुलिस की टीमें वहाँ पर पहुँची हुई हैं और लगातार जो क्राइम टीम है वो यहाँ पर जाँच कर रही है। कैमरामैन पंकज गुसाई के साथ दीपक बिस्ट, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। खान के एक पूर्व विधायक ने उनकी ही पार्टी और सरकार के काले चेहरे को बेनकाब किया। पाकिस्तान से भारत में शरण लेने के लिए पहुंचे विधायक बलदेव कुमार, मोदी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं हमारी मदद की जाए। कश्मीर में एहतियात के तौर पर बंद की गई इंटरनेट सेवा को ज्यादती बनाने वाले पाकिस्तान के यहाँ भी कई शहरों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची समेत कई ऐसे शहर है पाकिस्तान के।
बौखलाए पाकिस्तान किसी भी हालत में। पाकिस्तान सेना की बैठ कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ की साजिश रच रही। पिछले 3-4 दिनों से 3 जगहों पर एक साथ बैट कमांडोज की मूवमेंट यहां पर देखी गई है। संस्थाओं को अपना काम स्वतंत्रता से करने देना, इसमें आप शून्य पर, शून्य से भी नीचे हैं। हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र समेत 4 राज्यों में इसी साल चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में इन राज्यों के चुनाव में मोदी सरकार के 100 दिनों का काम बड़ा मुद्दा बनने वाला। बीते 100 दिन को बीजेपी मजबूत सरकार के रूप में प्रचारित कर रही है, तो कांग्रेस इसे अर्थव्यवस्था से जोड़कर एक हॉरर फिल्म बता रही है। लोकतंत्र में चुनावी